सुनिए हमारे ब्लफ मास्टर मोदी के बोल बच्चन। मैं तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सलाह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपको अगर दिशा नहीं सूझती हो, किस दिशा में जाना इसका आपको कुछ रास्ता न मिलता हो, आंख बंद करके गुजरात की दिशा पकड़ लो, देश की दशा बदल जाए। अब सुनिए सच। का पता नहीं लग रहा हो तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं, ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट था वो ठीक दुगना हो गया है, तो विकास कहां हुआ, विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ। इसलिए ना हिंदुत्व ना रोटी, ना राम ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले। को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए, भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे।